हरे कृष्ण एवरीवन, हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। और कार्तिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देयर आर सिक्स डेज टू गो नाउ। और कल जो है उठाना एकादशी है, जिससे हमारा भीष्म पंचक शुरू हो जाएगा। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे गजेंद्र मोक्ष, और हम कर रहे थे वर्स नंबर 7, गजेंद्र की संपूर्ण स्तुति के वर्स नंबर 7 पे है हम। पर सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वर्स नंबर 7, अभी तक हमने देखा कि गजेंद्र जो था वो अपने एक पैरेलल चल रहा है गजेंद्र और हम लोगों की भौतिक लाइफ में, कि हमारे पास सब होते हुए भी फिर भी जो अटूट सत्य है मृत्यु, या कोई भी संकट आता है हमें कोई भी नहीं बचा सकता। ना हमारे परिजन हमें बचा सकते हैं, ना हमारे मित्र बचा सकते हैं, ना पैसा दौलत, ना डेजिग्नेशन, जो भी हमारे पास है कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। तो द बेस्ट वे इज की सरेंडर करना कृष्ण को। और गजेंद्र, और हमें ऐसी कोई स्तुति याद रखनी चाहिए, ऐसी कोई हमें मंत्र याद होना चाहिए कि आगे, क्योंकि करी हुई भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाती। आप वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे आपने खत्म किया होता है। तो हमें ऐसा मंत्र याद होना चाहिए कि जैसे गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, और इंद्रदुम्न महाराज की उन्होंने तपस्या जो करी और उनको जो भगवान की स्तुति याद थी, वो गजेंद्र की बॉडी में, हाथी की बॉडी में उन्हें याद आई और वो लिब्रेशन उनको मिला। सो कमिंग टू द श्लोक, श्लोक नंबर 7, आगे वो क्या स्तुति कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो स्तुति करी है, हमने यही कहा है कि वो भगवान की ग्लोरीज गा रहे हैं, कि वही है जो परम नायक है इस जगत के, वही मतलब वो इस जगत की सृष्टि को बनाते हैं, और वही सबके अंदर हृदय में अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी स्तुति गजेंद्र कर रहे हैं, और जब ऐसी स्तुति गजेंद्र कर रहे हैं तब कोई और नहीं आ रहे, ब्रह्मा जी नहीं आ रहे, शिव जी नहीं आ रहे, इंद्र आदि कोई भी देवता उनकी सहायता के लिए नहीं आ रहे। ऑल दो गजेंद्र ने उस स्तुति में नाम नहीं रखा, लेकिन फिर भी सबको पता है कि वो ये नहीं है। ब्रह्मा जी को पता है कि ये स्तुति उनके लिए नहीं है, शिव जी को पता है, और इंद्र आदि देवताओं को पता है कि ये स्तुति उनके लिए नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए है। तो जब गजेंद्र कह रहे हैं हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, हे परम पुरुषोत्तम, हमें आपकी वंदना कर रहा हूँ, कृपया कर मेरी रक्षा कीजिए, तब कोई नहीं आ रहा। तब सीधा विष्णु जी जो है गरुड़ पे बैठ के आते हैं गजेंद्र को बचाने, और ये आगे रिवील होगा। तो देखिए, इससे रिवील होता है कि इतने संकट में भी और अपनी मृत्यु को पास देखते हुए बंदा झूठ नहीं बोलेगा, है ना। और इतना पेन होने हुए वो चिल्लाएगा। ऐसे मेरे को एक कहानी याद आ रही है यार, हम चलिए कि ये कहानी सुनाती हूँ, और उसके बाद वी विल स्टार्ट डायरेक्टली गो टू द श्रीमद् भागवतम रीडिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा है पढ़ना है हमने, है ना। ये जो कहानी है ये इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है, अकबर के दरबार में एक बंदा आता है, वो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है कि कोई, और इतनी फ्लुएंटली बोल सकता है कि वो अकबर को चैलेंज करता है कि आप ना मेरी मातृ टंग बताओ, नहीं तो आप हार मान लेना और मुझे ये प्राइस देना। तो अकबर कहता है कि ठीक है, वो सारी लैंग्वेज बोलनी शुरू करता है। तो अकबर के दरबार में जो जो उस जगह के नेटिव होते हैं, जिनको वो लैंग्वेज फ्लुएंटली आती होती है, वो जब उसकी लैंग्वेज सुनते हैं तो वो कहते हैं अरे इसको तो ये मराठी है, दूसरा नहीं 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 ये बंगाली है, नहीं 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 ये तेलुगी है, ये पंजाबी है, ये कश्मीरी है। सो ऐसे कोई भी उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं बता सकता। और उसके बाद ना बीरबल के ऊपर ये काम आता है। तो बीरबल कहते हैं मैं कल बताऊंगा, मैं आज नहीं बताऊंगा, आज आप इनको अतिथि गृह में ठहरा दीजिए, मैं कल बताऊंगा, मैं थोड़ा सोचना चाहता हूँ, मैंने इनकी सारी भाषा सुनी है। तो ठीक है, वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को कल बता दीजिएगा।
तो रात को क्या होता है, जब वो अतिथि वहां पे जिस बंदे ने चैलेंज किया होता है, अतिथि गृह में सो रहा होता है ना, और जाड़े की रात होती है, सर्दियों की बहुत सर्दी की रात होती है, तो बीरबल क्या करता है, एक बंदे को जाता है और कहता है जाओ उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, और ठंडा पानी डाल के और डाल देना, और बीरबल क्या करता है, छुपके खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। तो रात को जब उस व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी गिरता है तो वो एकदम बोलता है, और वो जिस लैंग्वेज में बोलता है तो बीरबल को पता चल जाता है कि ये उसकी नेटिव लैंग्वेज है, और दिस इज हाउ बीरबल वॉज एबल टू टेल। तो जब भी हम कोई पेन में होते हैं, या कोई भी हम अगर हमें गाली भी देनी होती है तो हम अपनी लैंग्वेज में गाली देते हैं, या हम बहुत ज्यादा पेन में होते हैं तब भी वही लैंग्वेज निकलती है। कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या कहते हैं, मम्मी। तो क्या पता चल जाता है कि आप कहाँ से हो, किधर से हो, क्या लैंग्वेज फॉलो करते हो। सो गजेंद्र अभी इतने सीवियर पेन में है, तो यहाँ शो ऑफ या कुछ मैनिपुलेशन या कुछ भी ऐसे करने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जो गजेंद्र है वो डायरेक्टली जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बुला रहे हैं। जैसे हम ट्रबल में होते हैं, हम सिर्फ मम्मी को याद करते हैं, उसी प्रकार गजेंद्र अब इतनी ट्रबल में है तो वो सिर्फ परम पुरुषोत्तम भगवान को बुला रहे हैं, क्योंकि वो सब ट्राई कर चुके हैं, सब ट्राई कर चुके हैं। वो अपने अतिथि को, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनका बल काम नहीं आया, उनकी पत्नियों का रुंदन रोना काम नहीं आया, उनके बच्चों का तुतली भाषा काम नहीं आई, ना उनका गजेंद्र का खुद का स्ट्रेंथ काम आया उनको इस संकट से उभारने के लिए। और जब वो स्तुति करते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान की, तो तब हमें रिवील होता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। वो है श्री हरि, श्री कृष्णा ही है जो परम पुरुषोत्तम भगवान है। सो कमिंग टू वर्स नंबर 7, हम शुरू करते हैं। दिद्रिका सवायस्या पदम सुमंगलम विमुक्ता संघ मुन्याः सुसधावः चरन्ते अलोक वृत्तम अवरणम वने भूतामा भूताः सुहृत समे गतिः। इसका अर्थ है, जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबके मित्रित्व हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्व कल्याण पद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे गंतव्य हो, मेरे गोल हो। गजेंद्र यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कौन ऐसे मुनि जो बहुत ऑस्टैरिटीज करते हैं, जो बहुत तप करते हैं, उनका गोल क्या होता है, वो गोल होता है परम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पहुंचने का। वो वानप्रस्थ करते हैं, वो अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, और जंगल में रह के सिर्फ फल मूल खाते हैं, और पूरा टाइम अपना मेडिटेशन और अटेंशन जो होता है भगवान के प्रति लगाते हैं। तो जो मुनि का गोल है वही वही भगवान, और कोई नहीं। मतलब वो सारी चीजों को स्पेसिफिकली कह रहे हैं। अब अगर वो कृष्ण का नाम नहीं ले रहे पर वो कृष्ण के करेक्टर्स बोल रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि चलिए हम डमशरार्थ खेलते हैं, आपको बताना है ये कौन से भगवान है, और आप जगह सिर्फ मुरली की एक्टिंग कर दो और मोर पंख लगा दो, तो आप करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये कृष्ण ही है। उसी प्रकार गजेंद्र जो है भगवान के सारे करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ताकि वो नैति करके सारे देवताओं को कह रहे, अरे इंद्र तुम नहीं आना, अरे ब्रह्मा तुम नहीं आना, शिव जी तुम नहीं आना, तुम्हें नहीं बुला रहा मैं, परम पुरुषोत्तम भगवान को बुला रहा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए। इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सब पर समान दृष्टि रखते हैं, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिना, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो श्री भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं, ये समझते हुए कि पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के मित्र हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, वे श्री भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वह एक राष्ट्रीय तथा दूसरे में, या एक जाति तथा दूसरे में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावामृत अर्थात श्री भागवत गीता के आदेशों के उपदेश देते हैं। इस प्रकार वह श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावामृत में ऐसे उपदेशों को परमहंस कहा जाता है, जैसे कि विमुक्त संघ शब्द से सूचित होता है।
उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने के लिए वे ऐसे भक्त की शरण में जाएं। हम इंतु श्लोक 8 और 9। न विद्यते यस्या च जन्म कर्म वह ना नाम रूपे गुण दोषा इव वह तथापि लोक पाए संभवा यह स्वमया स्वामाया तान्य अनुकूलम अनुकूल अनुकूलम अनुकूलम रचति तस्मनि नमः परेश्यः ब्रह्माने अनंत शक्षते अरूप अरूप अच्छा अरूप रूपेरो रूपाय अरूपायोरो रूपाय नाम अश्चहे कर्मणे। अगेन यहाँ पे भगवान की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स का वर्णन किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। भौतिक कार्य मतलब वो निर्गुण नहीं है, पर वो भौतिक भौतिक जो है, जो हम मेटीरियल नेचर में है, हम रजो तमो और सतोप में रहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन में हम जो फंसे हुए हैं, ये भौतिक हैं। भगवान इनके परे हैं, इन तीन गुणों के परे हैं, इन भौतिक गुणों के परे हैं, वो निर्गुण नहीं है, वो भौतिक रूप के परे हैं। जैसे हमारा बॉडी अर्थ फायर वाटर स्काई ईथर इन पांचों पंच तत्व से बनी हुई है, भगवान की बॉडी उससे नहीं बनी हुई। तो वो अरूप रूप्य है, मतलब उनका रूप जो है ऐसा नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, पर उनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है, ना वो उनमें कोई उनका आकार नहीं है, वो सिर्फ एक वाइट लाइट है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है, क्योंकि कई लोग भगवान को सिर्फ एक लाइट कंसिडर करते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। नहीं, भगवान भी एक इंडिविजुअल है, और वो इस श्लोक द्वारा बताया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। ये भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनिष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वह अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वह विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं, अतएव वह परम ब्रह्म है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो कह रहे हैं कि कोई भी उनका भौतिक रूप नहीं है, पर उनका स्पिरिचुअल रूप है, और वो उसी स्पिरिचुअल रूप में आते हैं, कभी राम जी बन के, कभी कृष्ण बन के, और जो भौतिक कलमश है वो उससे दूर रहते हैं, और भक्तों की सहायता करने के लिए वो आते हैं। तो गजेंद्र कह रहे हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणाश्चाय दोषाय मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मक को ही। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना तो भौतिक रूप होता है, ना भौतिक गुण या दोष। वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आगार हैं। जैसे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद भागवत गीता में कहा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के लिए श्री भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। श्री भगवान जिसका संहार करते हैं उसे उनके द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। दोनों ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर श्री भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्म लोक जाता है, जो श्री भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। श्री भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता, यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अथवा प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करते मुक्त कैसे पा सकता है, मुक्ति कैसे पा सकता है। मतलब उनका नाम भी जो है वो भौतिक नहीं है। मतलब अगर कोई मेरा नाम जब डॉक्टर सोनल बोले तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ना दवाई मिलेगी, मैं फीस लूंगी भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलेगा। और वहां पे भगवान जो है, अगर आप भगवान का हरे कृष्ण हरे राम करके नाम का पठन करते हो तो उनका नाम आध्यात्मिक है, और वो आपको उन आध्यात्मिक शरीर देके भगवान का सानिध्य दे सकता है।
राम तथा कृष्ण जैसे नाम साक्षात श्री राम तथा श्री कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवन उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकल्पों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ ये सही उतरता है तो श्री भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण श्री भागवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम अवजानितम मा मूढ़ा मानुषम तनुमश्रितम। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तब हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य ना समझ लें। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। संभावात्मया, क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध नहीं किए जाते, अतएव वे सदैव दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान को सामान्य व्यक्ति ना माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। या तो हमें भगवान को भौतिक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू श्लोक नंबर 10। नाम आत्म प्रदीपाय साक्षिने परमात्मने नमो गिरम विदुराय मनसा चेतसम अपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को सादर नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, जो व्यस्ति जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मानसिक शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझे जा सकते। मतलब हम कितना प्रयास कर ले भगवान को नहीं समझ सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही व्यस्ति आत्मा प्रकाशित होता है। मतलब भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए श्री भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। आत्म प्रदीप कहा गया है। श्री भगवान सूर्य के समान है जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं, किंतु स्वयं किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि उनसे आलोक प्राप्त करे, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। अपने मानसिक शारीरिक या बौद्धिक मतलब इंटेलिजेंस बल से कोई भी श्री भगवान को नहीं समझ सकता। कमिंग टू श्लोक 11। सत्वेन प्रतिलाभ्या नाशे कर्मण्य विपाश्चिता नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे। अर्थ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग के दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुष सुख के दाता है और दिव्य जगत के स्वामी हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम भिजानति यवम यस्मिन् ततर्वहम्। यदि कोई सचमुच भगवान को यथा रूप में जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्वा या शुद्ध सत्वा कहलाता है। मतलब मोड ऑफ गुडनेस से भी ऊपर होता है। एक होता है सतोगुण, पर यह होता है शुद्ध सत्वा। मतलब ये कोई भी भौतिक कंटामिनेशन नहीं होती। मतलब इसमें ना रजो होता है, ना तमो होता है, ना भौतिक सतो इसमें जो होता है मिश्रित होता है। ये विशुद्ध सत्वा है, एकदम शुद्ध सत्वा है जो आध्यात्मिक स्तर पे चलता है। तो भक्ति जो होती है वो आध्यात्मिक स्तर का है और वो शुद्ध सत्वा की तरफ हमें लेके जाती है। भौतिक जगत में सत्वगुण कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्वा है। दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। मतलब अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो आप गुडनेस में हो, सत्वगुण में हो, लेकिन वो भौतिक जगत में ही है। लेकिन जो भक्ति है वो उससे भी ऊपर है, जिसको कहते हैं शुद्ध सत्वा, क्योंकि वो हमें भगवान के पास लेके जा सकती है। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। भक्ति को निष्कर्म्य कहा जाता है।
मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलेगा। मतलब भौतिक कार्य आपको नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, पर उससे काम नहीं चलेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। नैष्कर्मप्य चतुर्भाव वर्जितम, जब तक कृष्ण भावामृत के लिए कार्य नहीं किया जाए तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। नैष्कर्म्य प्राप्त करने के लिए, मतलब निष्कर्म भक्ति, नैष्कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपना कार्यलाप बंद कर दिया, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भांति कर्म करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। मतलब कई लोगों ने इमेच्योरली क्या किया, ये अपना सारा कार्य बंद कर लिया, नहीं, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, पर क्या हुआ, उनका पतन हुआ और फाइनली वो दोबारा से जन्म हुआ उनका और वो फिर भौतिक वर्ल्ड में उतर आए। ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में आगे भागवत गीता में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। किंतु एक बार भक्ति योगा की आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता, पर भक्ति योग करने से मनुष्य जो है नीचे उसका फॉल डाउन नहीं होता। अतएव हमारा कृष्ण भावामृत आंदोलन हर एक को सदैव आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य हैं श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिससे श्री भगवान को समझने के पथ पर मनुष्य अग्रसर होता है। अतएव जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, सत्वेन प्रतिलाभ लभ्याय नैष्कर्मण्य विपश्चिता, उन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। गोपाल तपनी उपनिषद का कथन है, भक्ति रस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधिनरस्य नैव मनुष्यम मनसः कल्पनदम् अतेद एव च नैष्कर्म्यम्। ये नैष्कर्म की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी नैष्कर्म में कर्म करता है जब वह इस जीवन में या भावी जीवन में इसी लोक में या स्वर्ग लोक में भोगने की भौतिक इच्छाओं के रहित होके कृष्ण भावित कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन्य अभिलाषा शून्यम, जब मनुष्य सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देश में भक्ति में रहकर कर्म करता है, तब वह नैष्कर्म के पद पर होता है। श्री भगवान की सेवा ऐसे दिव्य भक्ति से होती है, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। कैसे भगवान तक पहुंचा जाता है? निष्कर्म भक्ति से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, कोई और कार्य से नहीं, क्योंकि वो क्या है, शुद्ध सत्वा है। कमिंग टू श्लोक नंबर 12। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिने निर्विशेष समयाय नमो ज्ञान घनेश्याम। अर्थात मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, उनके भयानक रूप नरसिंह देव को, उनके पशु रूप वराह देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक गुणों से रहित है किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। पिछले श्लोकों में बताया गया है कि श्री भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेना तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह हैं। नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई ये गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार श्री भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। श्री भगवान शाश्वत रूप में प्रकट होते रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मा सृजन मयम्। हे भारतवंशी, जब जब धर्म का हास्य होता है और अधर्म का प्रधान
प्राधान्य बढ़ जाता है उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भौतिक जगत में कृष्ण भावामृत से विपित होने की संभावना सदा बनी रहती है, अतएव श्री कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसे ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों से कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी भी जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं, श्री भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं, मतलब भगवान की बॉडी से जो ऊर्जा निकलती है, जो भगवान की बॉडी से एफ्लूजेंस निकलता है, वो इम्पर्सनल ब्रह्मांड है, जिसको निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, भगवान का तेज, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो लोग भी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, पर हम लोग भक्त क्या है, भक्त क्या होते हैं, भगवान से रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने गोपी गीत में देखा कि कैसे गोपियां जो है भगवान के साथ कितना स्वीट रिलेशनशिप डेवलप कर रखा है, कभी उनको सरेंडर कर रही हैं, कभी गालियां दे रही हैं, कभी कैसे मतलब उनकी उल्हाना दे रही हैं, और कैसे वो स्वीट रिलेशनशिप है। तो वो आप ब्रह्म ज्योति में जाके वो रिलेशन नहीं डेवलप कर पाओगे। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जो सिर्फ भगवान को सिर्फ उस स्तर तक ही समझ पाते हैं, ब्रह्म ज्योति के स्तर तक समझ पाते हैं, तो वो उनमें लीन होना चाहते हैं। उससे पर योगी होते हैं जो भगवान को परमात्मा फैक्टर में अपने हृदय में बैठे परमात्मा के फॉर्म में समझते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर होता है भक्तों का, जो भगवान को एज एन इंडिविजुअल कृष्ण समझते हैं और कृष्ण के साथ अपना एज एन वन टू वन रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अतएव यहां ज्ञान ज्ञान घनाय शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले नास्तिकों के लिए ही ये विभिन्न अवतार प्रकट करते हैं। भगवान इसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ मेरी भी इंडिविजुअलिटी है, मेरा भी रूप है, तो उन नास्तिकों को प्रूफ करने के लिए वो डिफरेंट अवतार में प्रकट होते हैं। क्योंकि श्री भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूपों में आते हैं, अतएव कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। ज्ञान घनाय शब्द का प्रयोग यहाँ विशेषता उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से श्री भगवान की खोज करते करते पथरा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है, मतलब सिर्फ ज्ञान व्यर्थ है, भगवान को जानने के लिए भक्ति चाहिए। किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है, मतलब ऊपरी ज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते, वो ज्ञान गहन होना चाहिए, मतलब आपके हृदय को छू लेना चाहिए, आपके हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए, आपका हृदय जो है व्यथित हो जाना चाहिए कि हाँ भगवान का रूप है, आई वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन। पर जब किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है, तो वह वासुदेव को समझता है। वासुदेव सर्वमति सह महात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ, जो वासुदेव को महात्मा समझे वो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ज्ञानी इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करते हैं, अतएव यहाँ पर ज्ञान घनाय शब्द का उपयोग हुआ है। शांताय शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। निर्विशेषवादी ज्ञानी व्यासुदेव की अनुभूति तभी कर पाते हैं जब वे ज्ञान में पूर्ण तरह परिपक्व हो जाते हैं। वासुदेव सर्वमति सा महात्मा सदुर्लभा, ऐसे महात्मा जो है बहुत दुर्लभ है। कमिंग टू श्लोक नंबर 13। क्षेत्र ज्ञाने नमस्तुभ्यं सर्वध्याक्षाय साक्षिणे पुरुषात्मा मूलाय मूल प्रकृति नमः। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुषोत्तम भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप परम पुरुष भौतिक प्रकृति तथा सग्रम भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री भागवत गीता श्रीमद भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मम विविध सर्व क्षेत्रस्य भारता। ये भारतवंशी, तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का भी ज्ञाता हूँ। इसका मतलब क्या है, जैसे हम अपने शरीर में हैं, ठीक है, हमारा शरीर जो है वाइट कलर, हमारी आत्मा अंदर बैठी है, हमें अपने शरीर का पता चल रहा है कि हम श्वास ले रहे हैं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, हमें अपने, अगर मैं इस उंगली को मोड़ दूं तो दर्द होगा, तो हमें अपने शरीर के अंदर जो भी चीज हो रही है
उसके हम ज्ञाता हैं, उसकी हमें नॉलेज है, लेकिन भगवान क्या है, सर्व सबके शरीरों के ज्ञाता है। अब मुझे नहीं पता, अब जैसे आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो, तो मुझे ये भी नहीं पता मेरा मरीज आके जब तक मुझे बताएगा नहीं कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, तब तक मैं भी नहीं समझ पाऊंगी कि उसके शरीर में क्या आ रहा है। वो ही बताएगा और उसी के बताने पर हम दवाई देते हैं। हम ऐसे अध्ययन करके कहें कि हाँ डॉक्टर है तो हमें उनके शरीर का पता चल जाएगा कि क्या उनके अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पर भगवान जो है वो सब शरीरों के ज्ञाता है। आप दूसरा बंदा मन में क्या विचार सोच रहा है वो भगवान को पता होता है, हमें नहीं पता कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। हम में से हर व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर हूं या ये मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें ये शरीर सर्वोपरि स्वामी द्वारा दिए गए हैं। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का ज्ञाता भी है, वह शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर के वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो परम क्षेत्रज्ञ है। उदाहरणार्थ हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु उस मकान लेकिन इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक होता है। इसी प्रकार हम भी किसी एक प्रकार का शरीर दिया जाता है जिससे हम इस भौतिक जगत को भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर के वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। वे सर्वध्या कहलाते हैं क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उन्हीं के अध्यक्षता के में कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं माया दक्षेण प्रकृति सूयते सचाचरम सचराचरम हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हुए सभी चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, जो चल सकते हैं और जो अचर है जो स्थित है एक जगह पे। तो भगवान की जो भगवान से ही ये सब चर अचर प्रकृति जो है आई है। प्रकृति से ना जाने कितनी तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिसमें जलचर पेड़ पौधे कीट पक्षी पशु मनुष्य तथा देवता सम्मिलित है। प्रकृति माता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पिता है। अहम बीज प्रदा पिता। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान कर सकती है, किंतु आत्मा के रूप में हमें रहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश रूप में। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत से उपज नहीं है, इस भौतिक जगत की हम उपज नहीं है क्योंकि हम भगवान का अंश है। अतएव इस श्लोक में श्री भगवान को आत्ममूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। वे सारे जीवों के बीज रूप है। बीजम मा सर्वभूतानाम। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री भगवान कहते हैं सर्व योनेषु कौन्तेया मूर्तया संभवितेयः तासं ब्रह्म महद् योनिर् बीज प्रदा पिता। ए कुंती पुत्र, ये समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस भौतिक प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और मैं वीरदाता पिता हूँ। पौधे वृक्ष कीड़े जलचर देवता पशु पक्षी तथा अन्य सारे जीव श्री भगवान के पुत्र या अंश हैं, किंतु भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। मना पश्चिम निद्राणी प्रकृति स्थातनी कर्ष्यति। इस प्रकार वे उस प्रकृति के पुत्र हैं जिसके वीर्यदाता पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र मोक्ष या छुटकारे की विधि है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कमिंग टू श्लोक नंबर 14। सर्वेन्द्रिया गुणा दृष्टे सर्व प्रताया हेतवा अस्तः अच्छा योक्त्या सद अभ्यासय ते नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। ये भौतिक जगत आपसे मिलती जुलती छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व को की झलक मिलती है। कि हम इस भौतिक जगत को इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि इसमें भगवान के अस्तित्व की झलक मिलती है, पर एक्चुअली में यह होता नहीं है। हमने पहले डिस्कस किया था कैसे ये जो फल है वो प्रतिबिंब है जो
ये जो भौतिक जगत है, जो हमने चैप्टर 15 और भागवत गीता शुरू में कार्तिक के स्टार्टिंग में किया था, वो यही था कि ये पेड़ जो है आध्यात्मिक जगत का, ये उस पेड़ का प्रतिबिंब है, ये उल्टा पेड़ है। तो दिखता वैसा है लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब कभी भी, कोई भी शैडो कभी रियल चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए। इस श्लोक का भाव अनुवाद इस प्रकार होगा, इंद्रिया कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं, आपके निर्देश के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है, सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो मता स्मृति ज्ञान ज्ञानम मोहपहं चा। आप हर एक के हृदय में स्थित हैं और आपसे ही स्मृति तथा विस्मृति आती है। छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्ग, माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तब तक वे स्मरण नहीं तब नहीं देते तथा उसे स्मरण नहीं दिलाते, तब तक वह अपने जीवन के छाया रूप आभासी उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकता। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पे वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, क्योंकि वह इस जगत का कुछ ना कुछ भोग करना चाहता है, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में इसका स्मरण दिलाते हैं। मथा स्मृति ज्ञान ज्ञानम पोहम च, क्योंकि बद्ध जीव आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह आपको सदा भूल सकता है। अतएव आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं, क्योंकि आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है। चरम सत्य तो आप ही हैं। मैं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। मतलब कि हम जो भगवान को भूल जाते हैं और हमारी जो इच्छा होती है, भगवान सिर्फ क्या कहते हैं, तथास्तु। अच्छा तुम्हें ये करना है, अब कोई नॉनवेज खाना चाहता है, वो ह्यूमन बर्थ उसने पूरा नॉनवेज के लिए वेस्ट कर दिया, अब वो अगले जन्म में भी नॉनवेज खाना चाहता है, तो भगवान कहते ठीक है तुम मुझे भूलना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम जाओ वाइल्ड एनिमल बन जाओ, तुम खाओ। तो भगवान हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करते हुए हमें वो शरीर दे देते हैं। तो हमारे को जो है ना, ये जो भक्ति क्या होती है, वो हमारे अंदर शुद्ध डिजायर्स लेके आती है। देखो जैसे का संग करेंगे तो वैसे का रंग चढ़ेगा। अगर हम भौतिकवादी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारे में भी वो आएगा, नहीं हम सुपर एम्बिशियस हो जाएंगे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में रहेंगे, कभी वो पूरा नहीं होगा तो दिमाग सुसाइड की तरफ जाएगा। जो भी वृत्तियां हैं, जो भी बैड हैबिट्स हैं, वो हम में आ जाएंगी। ठीक है, झूठ बोलना आ जाएगा, बस अपने कार्यों को सिद्ध करना आ जाएगा, किसी और के बारे में सोचना नहीं। पर भगवान कहते हैं अगर तुमने यही डिजायर्स कल्टिवेट करनी है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैसा शरीर दूंगा। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं तब हमें रियल गोल ऑफ लाइफ पता चलता है। तो जो एसोसिएशन होता है वो हमारे डिजायर्स को प्योरीफाई करती है, क्योंकि भगवान तो हमारे पिता हैं, परम पुरुषोत्तम हैं, वो तो सिर्फ कहेंगे अच्छा ठीक है ले लो जाओ तथा अस्तु। तो अगर हमारे डिजायर शुद्ध हो जाएंगे कि हम भगवान के पास जाना चाहेंगे, कि हम उनके सानिध्य में रहना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर भगवान हमारे को हमारा वो वाला डिजायर पूर्ण करेंगे। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे फिर तो जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम छूट जाएंगे, इस भौतिक जगत से हम छूट जाएंगे। सर्व प्रत्यय तवे शब्द कई व्याख्या शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि फल से कारण ही झलक मिल जाती है। उदाहरणार्थ मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतः पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, मध्यक्षणा प्रकृति सूयते सचाचरम। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे श्री भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। तो बताया गया कि कैसे हम एक फल को देख के उसके उद्गम स्थान का हम पता लगा लेते हैं, कि अगर हम मिट्टी का मटका देखेंगे तो हमें पता है पीछे एक कुम्हार होगा जिसने उसे बनाया। उसी प्रकार जब हम इस जगत को देखते हैं तो हमें समझ आता है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे भगवान है, और वही जो है संचालक है आध्यात्मिक जगत के भी, वो भी ऐसी ही झलक जो है भौतिक जगत वैसी ही झलक दिखाता है।
सो कमिंग टू श्लोक नंबर 15 नमो नमस्ते अखिल कारणे निष्कारणया भूत कारणया सर्वकम्मान्या सर्वगम्मान्यः महारन्वया नमो अपवर्गाय प्रायाणाय सॉरी फॉर माय संस्कृत हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण हैं किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों से निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं और आप परंपरा पद्धत के उद्गम हैं क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं अतएव आप ही सारे अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए यहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है वे इस बात से अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं अद्भुत होने पर भी वे पूर्ण बने रहते हैं पूर्णस्य पूर्णमदा पूर्ण एवा वशिष्यते भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हों तो हम ज्यों ज्यों धन निकालते जाते हैं त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वे शून्य हो जाती है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने पूर्ण है कि यदि अनेक असंख्य विस्तार हो जाए तो भी वे वही श्री भगवान बने रहते हैं पूर्णस्य पूर्णमदा पूर्ण एवा वशिष्यते इसलिए वे अद्भुत कारण है गोविंदम पुरुषम तमाम भजामि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणम कारणे गोविंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है वह सबके उद्गम है उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है क्योंकि वह सभी कारणों के कारण है इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और उसके सृजन होने के काल से ही ऊष्म तथा प्रकाश देता रहता है फिर भी उसी की वह शक्ति बनी हुई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो फिर उन परम कारण परम ब्रह्म श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए उनसे हर वस्तु निरंतर अद्भुत होती रहती है फिर भी वह अपना मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह बनाए रखते हैं श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं मथा सर्व पर्वते मुझसे ही हर वस्तु अद्भुत है उद्भुत है मतलब बनी है हर वस्तु श्री कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है तो भी वह ही वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं है अतएव वे उन समस्त आध्यात्मिक वादियों के आश्रय हैं जो भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं हर एक को भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए इसलिए सलाह दी गई है अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामा उधार दही तीव्रेना भक्ति योगेना ये यजेत पुरुषम परम चाहे कोई सकाम हो या निष्काम हो या फिर श्री भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेम भक्ति करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हो श्री कृष्ण परम ब्रह्म तथा परम धाम है अतएव कुछ भी चाहे चाहने वाले हो चाहे वह कर्मी हो ज्ञानी हो या योगी हो गंभीरता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए तभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी श्री भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथाथेव भजाम्यहम् जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं उसी प्रकार का पुरस्कार करता हूँ पर यह प्रतिज्ञा कहाँ भंग हुई गोपियों के साथ भंग हुई क्योंकि गोपियां जिस प्रकार का प्रेम श्री कृष्ण को कर रही थी भगवान का भी सामर्थ्य नहीं था उसको लौटाने का हमने वो 1 लाख रुपीज वाला एग्जाम्पल वहां पर डिस्कस किया था ना यहाँ तक कि कर्मी भी श्री भगवान से हर मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है भगवान श्री कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है किंतु मुक्त प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है वेदाश्रय सर्वमय वेद्यम मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके श्री कृष्ण को समझे जैसे कि यहाँ पुष्टि की गई है सर्वगम्मान्य महावर्ण महावर्णवाय
वे समुद्र के तुल्य हैं और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रवाहित होता है। अतएव बुद्धिमान अध्यात्मवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा, यही चरम लक्ष्य है। ठीक है, तो कमिंग टू श्लोक नंबर 16, गुणानानि अच्छानि चिदुसंपायः तत्क्षोभा विस्फुर्जिता मनस्यः निष्कर्मया भावेन विवर्जिता गमः स्वयं प्रकाशाय नमः करोमि। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणि काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपकी असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढके रहते हैं। मतलब हमें पता है कि वुड में जो है फायर होती है, अगर आप दो वुड को घिसोगे तो उसमें फायर होती है, या वुड में थोड़ा सा भी वुड को आपस में जैसे पत्थर को घिसते हैं तो फायर आ जाती है, वैसे वुड में भी अग्नि अग्नि होती है, अग्नि झुकी होती है। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी आपका ज्ञान है। हम मतलब इट्स नॉट नथिंग न्यू कि जो हम बाहर से लेंगे वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, बस हमें उसे ढूंढना है। वो ढूंढना कैसे, वो डस्ट जो है ना, तीन गुणों की, सतो रजो और तमो की, वो ऊपर छपी हुई है। अगर हम उसको साफ कर देंगे तो आपका जो ज्ञान है, आप जो है हमें अंदर ही मिलोगे। किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्य कल्पों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वे वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट विधि विधानों के अधीन नहीं होते, क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं। अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हो, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, तेषां एवान कर्म पार्थम अहम् अज्ञानज्ञं तमः नाशयन् से पढ़ते हैं। तेषम एवा कंपार्थम अहम अज्ञान ज्ञान तमा न साम्य आत्मा भवसाओ ज्ञानदीपेन भवस्तता। जिस भक्त ने अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे श्री भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरणि के भीतर छिपी अग्नि से की गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधा सीधे अग्नि नहीं जलाते थे। अग्नि का आहवन आवाहन अरनी मतलब काश से किया जाता था, मतलब आग जलाते नहीं थे, उनका आवाहन किया जाता था, उनको बुलाया जाता था और अग्नि ज्योति वुड में से अपने आप आती थी, जो पुराने टाइम में ऋषिगण जब यज्ञ करते थे। इसी प्रकार सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से अच्छन है, तथा ज्ञान की अग्नि ज्ञान दीप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ही जलाया जा सकता है, यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे। सवे मना कृष्ण पदार विंदो, यदि कोई अपने हृदय के भीतर स्थित श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है, तो श्री भगवान सारे अज्ञान का अच्छेदन कर देते हैं। सारे अज्ञान का छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य परमेश्वर के विशेष कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्धि बन जाता है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्म रूप में सुक्षित ना होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण श्री भगवान भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि श्री भगवान भीतर से प्रकाश दें तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। अतः मायावादियों को यह दोषारोपण की भक्त का मार्ग बुद्धिहीन अशिक्षित व्यक्तियों के लिए सत्य नहीं उतरता। यस्याति भक्तिर भागवते अकिंचना सर्वै गुणा तत्र समशास्ते सुरः। यदि कोई श्री भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेश से परे होता है, वह परम हंस होता है। वैदिक साहित्य का अवगाहन किए बिना ही भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, अतएव हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हमें तो श्लोक नंबर 17, मद्रक प्रपान्य पासु पसा विमोक्षनाय मुक्ताय भूरि कुरुनाय नमो अलायाय स्वमेषेण सर्वतानु भृन्त मनसि प्रतितः प्रत्याग्य दृशये भगवते भ्रीते नमस्ते। जो
क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारियों जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहन्नते नमस्ते शब्दों की व्याख्या रूते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो श्री कृष्ण है, तत्व अनेक हैं, तथा विष्णु तत्व, जीव तत्व या शक्ति तत्व, किंतु सबसे ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में की गई है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं, अथे भूनेतेन किं ज्ञाते तवार्जुना विष्टव्यामिदं कुतस्नम एकांशे स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे भौतिक जगत अनेक आंशिक स्वरूप परम आत्मा द्वारा पालित है। श्री भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणु से ओतप्रोत है और श्री भगवान में केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणु के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में श्री विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित है। परमाणु मतलब एटम। किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं, वे भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत हैं, उद्भुत हैं। जैसे कि श्री भागवत गीता में पुष्टि की गई है, सर्व अहम आधिर देवानम, श्री भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत के देव ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के आदि अर्थात उद्गम है। इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते बृहते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु श्री कृष्ण बृहन भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी है। ईश्वरा परमा कृष्णा, श्री कृष्ण हर प्रकार के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभा, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर श्री कृष्ण से उत्पन्न है। अथा परंतरन्यता किंचित अधनंजया, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतएव श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवते बृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव पशु है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है कि आई एम दिस बॉडी। देहात्म बुद्धि क्या है? आई एम दिस बॉडी। यस आत्मा बुद्धि, यस आत्मा बुद्धि कनुपे त्रिधतुके धातुके स्वदेही कलात्रिदिशु भौम्य इह देही। यत तीर्था बुद्धि सलीले ना कही चेत ज्ञानेश्वा अभिज्ञानेशु स एव गोखरा। अर्थात जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजतों को अपने संबंधी मानता है, मतलब रिलेटिव्स को, जो अपनी जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञान से युक्त व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, उसे गाय या गधे के समान माना जाता है। मतलब अगर आप तीर्थ स्नान जा रहे हैं तो आप गंगा स्नान करने सिर्फ मत जाइए या जमुना स्नान करने मत जाइए कार्तिक में, बल्कि इन तीर्थ स्थान में बहुत सारे संत रहते हैं जो हमारे ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं, उनसे मिलना चाहिए और अपने ज्ञान चक्षु खुलाने चाहिए। सिर्फ गंगा स्नान करने से आपको मुक्ति या लिबरेशन नहीं मिलेगा। तो उन पशु जो ऐसा करता है, जो मनुष्य अपने शरीर को मानता है और आत्मा का स्तर पे नहीं सोचता, जो और जो शरीर के संबंधियों को रिलेटिव्स मानता है उन्हीं में खोया रहता है, और जो अपने जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो सिर्फ तीर्थ स्थानों पे स्नान करने जाता है बल्कि लोगों से भौतिक ऋषियों और मुनियों से मिलने नहीं जाता, उनसे ज्ञान लेने नहीं जाता, वो जो है वो गाय या गधे के समान माना जाता है। बताओ, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है। हेंस प्रूव वी आर एनिमल्स।
और हर एक पर भौतिक अस्तित्व रूपी घड़ियाल आक्रमण कर रहा है, जैसे गजेंद्र के ऊपर घड़ियाल ने करा, जब ये प्रूव हो गया कि हम एनिमल्स हैं, तो जैसे गजेंद्र के ऊपर घड़ियाल ने वो किया, तो वैसे ही समय का घड़ियाल जो है हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हम में से हर पर एक हम में से हर एक पर भी आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमें इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा दिला सकता है। निसंदेह वह सदैव हमारा उद्धार करने का प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुना तिष्ठति, वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारे उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस्य नहीं करते। अतएव श्लोक में कहा गया है, भूरी करुणाए नमो आला, ये श्री भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वरा मुक्ति है, ईश्वर मुक्त है, अतएव वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं। और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इंकार करते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा, इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते। इसलिए उन्होंने यहाँ भूरी करुणा कहा गया है। वे हमेशा इस कष्टप्रद भौतिक अवस्था से उबारना तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। मतलब हम उनके उपदेश का पालन भी नहीं करते तब भी वो हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्लोक नंबर 18, आत्मता जाप्ता गृहीविता जानेषु शक्ते तुष्प्रपानये गुणा संघे विवृज्यते, मुक्तां भि स्वहृदये परिभावित्यः ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वरा। उन पुरुषोत्तम भगवान की पूज्य हे प्रभु, जो लोग भौतिक कल्मश से पूर्णता मुक्त हैं वे अपने असंस्थे अपने अंत स्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राय हैं जो मानसिक तर्क वितर्क घर संबंधियों मित्रों धन नौकरों तथा सहायों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलमुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगर परम नियंता हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद द्वारा होती है। अपाविधम के वे कलुषित नहीं होते, इसी तथ्य को कहा यहाँ पर बताया गया है। गुण संगा विवर्जिता, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, अब जिनानिति मम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, कम बुद्धि वाले मूर्ख लोग श्री भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि वह एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। अतएव मुक्त आत्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। मुक्त आत्मा भी स्वहृदय परिभाविताए, केवल मुक्त आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स ये युक्तो तमोमता। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थित रहता है, मेरी पूजा करता है और वह योग से मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। कमिंग टू श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 श्लोक है, इसमें 33 श्लोक है ना। यम धर्मा कमार्था विमुक्ति कामा भजन्ति इष्टं गतिं अपनुवति
किम चेष्वो रताये अपि देहि नाम अव्यायम् करोति मे तद्रह दयो विमुक्षानाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों से रुचि रखते हैं वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, कुछ सकामी अर्थात अधिक से अधिक भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छुक तथा कुछ धर्म, अर्थ, काम एवं अथवा मोक्ष की कामना करते हैं। अकाम सर्व कामों व मोक्ष काम उधाधरी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। ये संस्तुति की गई है कि मनुष्य की चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या ना चाहता हो, या अत्यंत मोक्ष चाहता हो, उसे श्री भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है, ये यथा माम प्रपद्यते तथैव भजामहे। श्री भगवान आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि एक सामान्य जीव भी जो चाहता है उसे श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं, वो जीव को मनोवांछित वस्तु देते हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म्यानम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान सबके हृदय में असीम है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। श्री भगवान हर एक को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता के साम्राज्य से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। यद्यपि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें साम्राज्य की प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे वह निराश नहीं करते, क्योंकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से, या यूं कहें कि भौतिकवादी जीवन के वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की थी, तो वह उसकी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं करते। कमेंट श्लोक नंबर 20-21। एकंतियो यस्या ना कनाचनार्थम वंचन्ति ये वही भगवत परमपनः अथे अद्भुतम तच्चरित्रम सुमंगलम गयन्ते आनंद समुद्र मग्नः तम अक्षरम ब्रह्म परम्परेशम अव्याप्तम अध्यात्मिकम योगगम्यं अतीन्द्रियम सूक्ष्म इवात्रदुरम अनंत अद्यम परिपूर्ण अति। ऐसे अन्य भक्त जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वह पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके अद्भुत तथा शुभ कार्यकल्पों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी है और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त ब्रह्म अनुभूति से परे हैं। वे असीम है, वे आदि कारण है और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो गजेंद्र कितने शोकग्रस्त हो गए, कंप्लीट सरेंडर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादय अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करें, ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश
अविलंब वर मांग रहा था क्योंकि उसके समक्ष बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी जी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खुद भी व्यक्त किया जाता है। जो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है, वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहाँ उसे किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई निंतात शुद्ध भक्त नहीं होता, तब तक वह संकीर्तन आंदोलन से कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज रूप में भाव विभोर होकर कीर्तन, श्रवण तथा नृत्य के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा, आध्यात्मिक योगम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित न हो तब तक वह श्री भगवान तक नहीं पहुंच सकता। श्री भगवान पास पहुंच सकने का वर अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये वर सबको प्रदान किया है। यहाँ तक कि उन पतित आत्माओं तक को भी जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में कृष्ण भावामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतएव भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति कामाय ग्रहम, केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंच सकता है। श्री भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, माया सत्ता मना पार्था योगम योजना मत्स आश्रय असामस्यम समाग्रम यथा ज्ञानेशु तत्चरण। हे पार्थ पुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरे भावना से पूर्णता युक्त होकर योग अभ्यास करने और मन को मुझ में अनुरूप करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावामृत में अनुरूप होना तथा निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते से ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संशय रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। कमिंग टू श्लोक नंबर 22, 23 एंड 24। यस्या ब्रह्मा देव देवा वेदलोका चराचरा नाम रूपा विभेदेना फल्ग्या च कल्या कृता यथार्च्यो अग्ने सवितुर घवष्ट्यो घवष्ट्यो निरन्तै संयन्तै असकृत् स्वरोचिता तथा यतो अयम् गुण संप्रद प्रवाद हो बुद्धिर्मना कहानी शरीरा सर्गहा सावे न देवसुरा मार्तेह तिरयन ना स्त्री ना संधो ना पूनम ना जंतु नयम गुना कर्म ना सन्ना चासना निषेधा शेषो जयतर अशेषः। उन पुरुषोत्तम भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करने में, जिसमें ब्रह्मा जी देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम ऋग यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं, जिस प्रकार अग्नि के सुलिंगिंग या सूर्य की चमकीले किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों से सतत रूपांतर ये सभी श्री भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे ना तो देव हैं और ना दानव, ना मनुष्य, ना पक्षी या पशु। वे ना तो स्त्री या पुरुष या क्लीव है और ना ही पशु हैं। ना ही वे भौतिक गुण सकाम कर्म प्राकट्य या अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द है और वे अंत अनंत हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। मतलब यहाँ पे भगवान के इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स को जो है डिफाइन किया गया है कि भगवान क्या है। वो ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना वो मतलब ही स्पिरिचुअल। वो भौतिक के जितने भी हमारे जो कहते हैं जितने भी हमारे नापदंड है वो भौतिक नापदंडों से परे हैं। बताया तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए।
यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम शक्ति का संक्षिप्त वर्णन है। परम पुरुष अपने अंशों को प्रकट करके विभिन्न अवस्थाओं में कार्य करते हैं और ये अंश उनकी विभिन्न शक्तियां परस्कर शक्ति विधि श्रुतहे के रूप में एक साथ भिन्न भिन्न रूप में स्थित है। प्रत्येक शक्ति सहज रूप से कार्यशील है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिय च। अतएव श्री भगवान अनंत है, न तत् समक्ष भयाग दीक्ष दृश्यते, ना तो कुछ उनके तुल्य है, ना कोई वस्तु उनसे बढ़कर। यद्यपि वह अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना होता, ना तस्य कार्यम कर्म च विद्यते, क्योंकि सब कुछ उनकी असीम शक्तियों से विस्तारों के द्वारा ही किया जाता है। कमिंग टू श्लोक नंबर 25। जीवस्य नाहम इहम युहा किम अंतर्बहिः च वृत्तेव योनः, इच्छामि काले न यस्य विपालवस तस्यं लोकवर्णस्य मोक्षम्। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो एक भ्रम आच्छादन है और भीतर से अज्ञान का आच्छादन है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। ये आवरण काल के प्रभाव से विनिष्ट नहीं होता अब जो गजेंद्र है, अब वो कंप्लीट अपने उस रूप में आ गए हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। उनको सिर्फ अपनी बॉडी नहीं बचाने की, फिर वो वापस जाए अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ रहें। अब वो इस स्तर पे नहीं सोच रहे। अब देखिए उनका स्तर जो इतना भक्ति करके उनका जो पिछला वो सब उनको याद आ गया, तो ही रियलाइज व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है, इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य गुरु के माध्यम से श्री भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिसका वर्णन तथा स्तुति गौतमीय तंत्र में इस प्रकार किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञान अंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्हें ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी। भले ही मनुष्य इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष क्यों ना करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है। फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि ये जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का सनातन अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमरीकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को एकमात्र जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। अज्ञान के कारण ये हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीव को हम सुखी तथा आनंददायक मानते हैं, किंतु इस भौतिक जगत के पतित जीव में ब्रह्मा के जीव से लेकर एक ब्रह्मा के जीवन से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। हम सुख पूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता। भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में स्थायी अवसाय बनाने का कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें। मतलब ये बताया गया है कि गजेंद्र कह रहे हैं मैं हाथी के रूप में खुश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बताया गया शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस भौतिक जीवन में ब्रह्मा से लेके छोटी चींटी तक कोई भी खुश नहीं रह सकता। सब बद्ध है, सबको क्या है, किसी के पास भी खुशी नहीं है। वो खुशी कब आएगी, जब हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, जब हम भक्ति करेंगे। वो आनंद है, वो ब्लिस है, वो तभी मिलेगा। कमिंग टू श्लोक नंबर 26। सोहम विश्वासृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदासम विश्वात्मानम अज्ञान ब्रह्मा परनातो अस्मिन् परम पदम। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठा हैं, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। वे इस जगत में हर वस्तु के परम ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। वे अजन्मा हैं और परम प्रतिष्ठित श्री भगवान है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति
भक्ति योग या कृष्ण भावामृत का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनके दर्शन करा सकते हैं? इस श्लोक से इसका उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अवयव प्रदान किया है और स्वयं अव्यय बन गए हैं, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर श्री भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्ति में जीवन की यही शुरुआत है। कमिंग टू श्लोक नंबर 27, यो करंधिता कर्मानो हृदय योग विभावते योगिनो यम प्रपस्यन्ति योगेशं तं नतोऽसम अहम्। मैं इन ईश्वर परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्ण तरह शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। मतलब भगवान के दर्शन हृदय में उन योगियों के होते हैं जो इच्छा पूर्वक नहीं रहते, जो कोई इच्छा नहीं करते और उनका हृदय जो है निर्मल और शुद्ध हो गया है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसके अवयव प्रदान किए हैं, मतलब जो इस संसार को बनाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं उनको प्रदान किया है। इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी स्वीकार करना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, इतना तो कट्टर नास्तिक को भी स्वीकार करना चाहिए, तो फिर अभक्त तथा सामान्य नास्तिक इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण यह है कि वे अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए सकाम कर्मों के फल स्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को धो डालना चाहिए। योग रंधिता कर्मणा, जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों में आच्छादित है, तब तक श्री भगवान को जान पाने की कोई असंभावना नहीं है। तदा रजस्मो भावा काम लोभादेश्य, जब मनुष्य रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है तो वह काम तथा लोभ जैसे निम्नित दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। आजकल ऐसे बहुत से योगी की पाठशालाएं हैं जो लोगों को योग के अभ्यास से काम तथा लोभ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जो सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, यू कैन डू इट टाइप, वो सिर्फ क्या करते हैं, काम और लोभ को विकसित करते हैं। अतएव ऐसे लोग तथा कथित योग अभ्यास के लिए अत्यंत ललायित रहते हैं, किंतु योग की वास्तविकता विधि यहाँ पर पूर्ण है। जैसे कि अधिकृत रूप में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ध्यान अवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगेन। योगी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का सदैव ध्यान करता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी कही है, प्रेम अंजना अछूरता भक्ति विलोचने सनातन सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदिम पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो साक्षात श्याम सुंदर या कृष्ण है, जिनके गुण अचिंत्य एवं असंख्य है, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम रूपी अंजन लगी हुई है भक्तिमय आंखों से देखते हैं। भक्ति योगी श्याम सुंदर को, श्याम वर्ण वाले सुंदर श्री कृष्ण को निरंतर देखते हैं। क्योंकि गजेंद्र अपने आप को सामान्य पशु समझ रहा था, अतएव उसे अपने आप को श्री भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोग्य समझा। विनयवश उसने सोचा कि वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भला ऐसे लोग जो देहात्म बुद्धि के कारण पशुओं के समान हैं और जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वर्तमान काल में जिन लोगों की इंद्रियां वश में नहीं है, जिन्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है और धर्म के सिद्धांतों या विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भी योगी होने का दिखावा करते हैं। योग अभ्यास में ये सबसे बड़ी विषमता है। मतलब कि कैसे पशु होकर गजेंद्र इतना हम्बल हो रहा है कि मैं कैसे योग अभ्यास कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लोग जो भौतिक चीजों में इतने फंसे हुए हैं वो अपने आप को योगी कहते हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 28, नमो नमस्या तुभ्यम आस्या वेगः शक्ति त्रयाय अखिला
धी गुणः परम तन्ने पाल्ये दुरन्ते सक्तहे कद इंद्रियानाम अवाप्य वर्तमाने। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों से दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्र सुख के आगर और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में रखने में अशम है वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए, असत, लोभ तथा काम, ये तीन दुस्तर वेग हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि श्री भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु उनके चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव श्री भगवान शरणागतों की रक्षक है। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब वे उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भव धाम वापस आ सकता है। कमिंग टू श्लोक नंबर 29। नयम वेद स्वाम आत्मना यत् शक्ष्यातम देहिहातम तम दुरत्या महात्मयम भागवतम इतो असम्यहम। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना कठिन है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए, जैसे कि श्रीमद भागवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक जीव चाहे वे मनुष्य हो, देवता, पशु, पक्षी, मक्खी या कुछ और हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। श्री भगवान तथा जीव पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपर्क के कारण जीव इसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है क्योंकि जीव उनको भूलना चाहता है और इस भौतिक जगत का भोग करने के लिए अपनी खुद की योजना बनाना चाहता है। जब तक ये कलमश बना रहता है तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहेगा और जन्म जन्मांतर तक भ्रम में पड़ा रहेगा। अतो गृहशित्र सुताप्त वृत्त जनस्य मोह आयम अहम मेमति श्रीमद भागवतम। जब तक जीव इतना प्रबद्ध नहीं हो लेता कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके तब तक वह भौतिकवादिक जीवन के प्रति तथा घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक, बचत आदि के प्रति आकृष्ट होता रहेगा। इन सब से आच्छादित होने से वह सोचता रहेगा, मैं ये शरीर हूँ और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकवादी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत हो जाता है, जैसे कि गजेंद्र हो गया, वे ब्रह्म पद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते परम। जो अध्यात्मक पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाते हैं और वह पूर्ण प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो शोक करता है ना किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखता है। वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में क्योंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्म पद पर रहता है अतः वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता। सम सर्वेषु भूतेषु। अमित श्लोक नंबर 30। श्री शुका उवाच एवं गजेंद्र उपवृणीता निर्विशेषम ब्रह्मादेव विविध लिंगा भीधा भीमनः नित्ये यदोपसारपुर निखलात्मा तव तत्र अखिलमारा मयो हरि अवृसति। श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अब यह पूरी गजेंद्र की स्तुति हो गई। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं,
जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा है तो उससे ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया, अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आया। किंतु चूंकि भगवान श्री हरि परमात्मा परम पुरुषोत्तम और अतएव गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए, गजेंद्र के वर्णन से लग रहा था कि वह किसी परम सत्ता को लक्ष्य कर रहा है। यद्यपि उसे ये पता ना था कि यह परम सत्ता कौन है, उससे अटकल लगाई ऐसे कोई परम सत्ता अवश्य है जो सबसे ऊपर है। ऐसी स्थिति में श्री भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि ने सोचा कि ये गजेंद्र तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा, ये तो उन ईश्वर को बुला रहा है जो हम सबके ऊपर है। जैसे कि गजेंद्र के वर्णन किया है, श्री भगवान के विविध अंश में है जिसमें देवता मनुष्य तथा पशु सम्मिलित हैं, जो विभिन्न रूपों में आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड की विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है, किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ है। हरि बिना नैव मृत्युं तरन्ति, कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म मृत्यु जरा या व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मनुष्य को भौतिक संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं। अतएव इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है, जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से नहीं बचा सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर का ब्रह्म अंग मात्र है। जैसे कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्मा अगण्य देवता, शरीर के भीतर आत्मा रहती है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव बाह्य हैं। इसी प्रकार समग्र विश्व की आत्मा नारायण या भगवान विष्णु है और सारे देवता मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग हैं। ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों में भोजन मिलता है, उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे जो सबके आदि मूल है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वह हमारे अत्यंत समीप रहते हैं क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। यूं ही श्री भगवान ये समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतः उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, त्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः यद्यपि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए देवता नहीं आए, किंतु उनकी भाव प्रणन स्तुति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है तब अन्य सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रसन्न होते हैं। यथा ततो मूला निसंचना तृप्त्यान्ति तत् स्कंधा भुजो पक्षकः प्राणापहार्च यथेनिन्द्रियां तथैव सर्वहां अच्युतजा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना शाखाएं उपशाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित हो उठते हैं, जिस प्रकार उदर में भोजन के पहुंचने से इंद्रियां तथा शरीर के अंग चैतन्य हो उठते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से उनके अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है तब सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 31, तम त्वद आर्द्रम उपलभ्य जगन निश्वास स्त्रोत्रम स्तोत्रम निसम्य द्विजह शह समुत्सवाभिहि चंदमयेन गुरुदेह समूहा मनस चक्रयुद्धो अभ्यागमत अशूयतो गजेन्द्रः। गजेंद्र की प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के बाद सर्वत्र निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उन देवताओं समेत वहां प्रकट हुए जो उनकी स्तुति कर रहे थे।
अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। और देखिए अब भगवान विष्णु की एंट्री हो गई, भगवान विष्णु की जय। गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान गरुड़ पे सवार हो गए और गरुड़ अपनी स्पीड पे नहीं आ रहा था। गरुड़ की स्पीड भी भगवान की इच्छा की स्पीड से बहुत कम है, तो गरुड़ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं भगवान को लेके आ रहा हूँ या भगवान मुझे लेके जा रहे। तो भगवान इतने इतने अंदर से विकट हो गए, अंदर से इतना उनका हो गया कि हाय गजेंद्र ने बुलाया है और अपनी इच्छा के अनुसार वो वहां पे आए। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से संकेत किया है कि चूंकि गजेंद्र आध्यात्मिक संकट में था, अत्यधिक संकट में था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कृपा करने की प्रार्थना कर रहा था, अतएव देवता वहां जाने से सकुचाए। यद्यपि वे रक्षा करने के लिए तुरंत जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना श्री भगवान को लक्षित करके ही की गई है, अतः उन्हें इसे अपमान समझा, किंतु ये स्वयं में एक अपराध था। फलस्वरूप जब श्री भगवान वहां गए तो वे भी गए और उन्हें उनकी स्तुति की, जिससे उन देवताओं का अपराध क्षमा हो सके। वहां पे बेसिकली सारे देवी देवताओं ने कहा कि अरे गजेंद्र हमें थोड़ा ना बुला रहा, हम तो भगवान को देखते हैं, भगवान आते हैं कि नहीं आते, हमें बुलाया होता तो हम एकदम आ जाते, तो ऐसा सोचना भी अपराध था। तो जैसे ही श्री भगवान वहां पे आए तो ये सारे देवी देवता भी आ गए, अरे सच में भगवान आ गए, गजेंद्र की प्रेयर्स जो है सुन ली गई है, अरे हमने ऐसा सोचा, अपराध हो गया, चलो चलो जल्दी जाए भगवान की वहां पे स्तुति करते हैं तो हमें भी माफी मिल जाएगी। कमिंग टू श्लोक नंबर 32। संतो श्रेषा उर्बलेन कृति अर्थो दृष्ट्वा गृत्माति हरिम कह उपतम चक्रम उत्किष्पाया संभुजा करम गिरम अह क्रचरेन नारायण अखिल गुरु भवन नमस्ते। इसका अर्थ है, घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपना सूंड से कमल का एक फूल लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्दों में कहा, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मतलब इतनी पीड़ा में भी, इतना वो दुख झेल रहा था, तब भी उसने वो सारी चीजें छोड़कर क्या किया, इतनी पीड़ा में था कि एक क्रोकोडाइल ने उसके पैर को मुंह में चबा रहा था, तो भी उसने जैसे ही भगवान को देखा वो सब भूल के, और कुछ अर्पित करने के लिए नहीं मिला, तो उससे वहां एक कमल का फूल मिला जल में और वही उसने अपनी सूंड में भगवान को अर्पण कर दिया। तात्पर्य गजेंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन पाने के लिए तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। गजेंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने श्री भगवान को आकाश में आते हुए देखा तो उसने अत्यंत पीड़ा से तथा मंद स्वर में श्री भगवान को नमस्कार किया। भक्त भय वही स्थिति को भी भयानक नहीं मानता, क्योंकि ऐसे संकटपूर्ण स्थिति में वह अत्यंत भावपूर्वक श्री भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार भक्त संकट को एक सुअवसर मानता है। ततो अनुकंपा सुमिक्ष मानो, जब भक्त विकट संकट में होता है तो वह इस संकट को श्री भगवान की महती कृपा मानता है, क्योंकि ये संकट निष्ठापूर्वक तथा एकाग्र चित्त से श्री भगवान का चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर दोषारोपण नहीं करता कि उनके कारण भक्त ऐसी संकट पूर्वक स्थिति में फंस गया है, प्रत्युति वह अपनी संकट पूर्वक स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों का फल समझता है और इस अवसर को श्री भगवान की प्रार्थना करने का सुयोग समझता है और उनको धन्यवाद देता है कि उसे ऐसा अवसर मिला। तो यदि हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे तो कभी भी हम कभी भी उनकी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम फंसे रहेंगे, हम पार्टी करते रहेंगे, हम अपने उसमें रहेंगे। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब हमें सुई चुभती है, तभी कहते हैं हे राम,
तभी भगवान का नाम याद आता है। तो जो भक्त होते हैं वो ऐसी संकटों को संकट नहीं मानते, वो कहते हैं अरे ये अवसर मिला है मुझे और शरणागत होने का, और भगवान की कृपा पात्र बनने का, और भगवान के बारे में जानने का, और भगवान की स्तुति करने का। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी मुक्ति, भगवत धाम, पूर्ण गमन सुनिश्चित रहती है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अत्यंत आतुरता से श्री भगवान से प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत भगवत धाम लौटने का अवसर प्राप्त हो गया। कमिंग टू श्लोक नंबर 33। तम विक्षो पिदातम अजहा सासवत्या सग्रेनम अशुशरेशु कृप्य योजहारा गृहद विपातम मुखद अरणि गजेंद्रम संपस्यातम हृदय अनम उदर उच्चृद्यम। अर्थात तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि तुरंत हेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल से बाहर खींच लिया। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, श्री भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्हें गजेंद्र को बचा लिया। कितना है कि भगवान भी हमारे को ऐसी चीजों से बचाए, हमें जब भी हम कठिनाई में हो, चाहे कोई भी हमारी इच्छा हो या हमारी कोई इच्छा ना हो, हमें भगवान के जो है हमेशा शरणागत रहना चाहिए। सिर्फ भगवान की हमें शरण धारण करनी चाहिए ताकि हम यहाँ से बच सकें। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के 26 श्लोक्स हैं और थोड़ा छोटा चैप्टर है, जो कि हम कर लें तो अच्छा है, गजेंद्र मोक्ष का हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर। देखते हैं कितना होता है। लेट्स गिव अ लिटिल मोर टाइम। मजा आ रहा है मुझे तो बहुत पढ़ने में, और अंदर एक विश्वास होता है कि कभी भी हम ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं या कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और ऐसे ही एविडेंसेस से, ऐसे ही स्टोरी से हमें पता चलता है कि नहीं, भगवान हमारी डेफिनेटली प्रार्थना सुन रहे हैं और वो जल्दी ही हमारी सहायता करेंगे। तो हमारा जो अंदर से जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अध्याय 4, गजेंद्र का वैकुंठ गमन। इस चौथे अध्याय में गजेंद्र तथा घड़ियाल के पूर्व जनों का वृतांत दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह घड़ियाल, गंधर्व और गजेंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बना। गंधर्व लोक में हुहु नाम का एक राजा रहता था। एक बार यह हुहु राजा स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तो उसने स्नान करते हुए देवल ऋषि का पांव खींच लिया। इस पर ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उसे तुरंत घड़ियाल बनाने का श्राप दे डाला। जब हुहू को इस तरह श्राप मिल गया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, अतएव उन्होंने वर दिया कि जब गजेंद्र का उद्धार श्री भगवान द्वारा होगा तो वह मुक्त हो जाएगा। इस तरह जब नारायण ने घड़ियाल का वध कर डाला तो उसका उद्धार हो गया। श्री भगवान की कृपा से जब गजेंद्र वैकुंठ में उनके पार्षदों में से एक बना तो उसे चार हाथ मिल गए। ये उपलब्धि स्वरूप या मुक्ति कहलाती है, नारायण के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की मुक्ति। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान श्री विष्णु का महान भक्त रहा था। उसका नाम इंद्रदुम्यन था और वह तमिल देश का राजा था। वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस राजा ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वह मल्याचल पर्वत में एक छोटी सी कुटी बनाकर मौन भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सदैव पूजा करने लगा। एक बार अगस्त्य ऋषि अपने अनेक शिष्यों के साथ इंद्रदुम्यन के आश्रम पधारे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में तलीन रहने के कारण वह राजा उनका उचित सत्कार न कर सका। अतएव ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को मंद बुद्धि वाला हाथी बनने का शाप दे डाला। इस शाप के अनुसार राजा ने हाथी के रूप में जन्म लिया और वह अपने पूर्व कृत सारे भक्ति कार्यों को भूल गया। तो भी अपने हाथी जन्म में जब घड़ियाल उस पर घोर आक्रमण किया तो उसे अपना भक्ति पूर्ण पूर्व जन्म याद आया और उस जीवन में उसने जो स्तुति सीखी थी उसका स्मरण किया। इस स्तुति के कारण उसने पुनः भगवत कृपा प्राप्त हो गई।
इस तरह उसका तुरंत उद्धार हो गया और वह श्री भगवान का एक चतुर्भुज पार्षद बन गया। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय का समापन हाथी के सौभाग्य वर्णन के साथ किया है। उनका कथन है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से मनुष्य को भी उद्धार का अवसर प्राप्त हो सकता है। श्रीला सुखदेव स्वामी इसका स्पष्टीपूर्ण वर्णन करते हैं और इस प्रकार अध्याय को समापन होता है। कमिंग टू श्लोक नंबर वन इस अध्याय का, श्री शुका उवाचाह तदा देवरसी गंधर्वः ब्रह्मेशा पुरगामा मुमुच्य कुसुम सारम संसारतम कर्म तद्धारिणे। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषि गंधर्व तथा ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं ने श्री भगवान के इस कार्य की प्रसन्नता प्रशंसा की और श्री भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में स्पष्ट है कि देवल ऋषि श्री नारद मुनि तथा अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को श्राप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का श्राप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रदुम्यन था। ये दोनों शापित हुए किंतु दोनों को लाभ मिला। इंद्रदुम्यन के हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वह वैकुंठ में श्री भगवान का पार्षद बना तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्रायः देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का श्राप श्राप न रहकर वरदान होता है। नेदर दुर कमिंग टू श्लोक नंबर टू, नेदर दुधो भयो दिव्या गांधर्व मृत्यु जगा रस्याय चरना सिद्धा तुष्टभूहु पुरुषोत्तमा। स्वर्ग लोग में दुंडबियां बजने लगी, गंधर्व लोग के निवासी नाचने और गाने लगे तथा महान ऋषियों और चरण लोक एवं सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। श्लोक नंबर 3 एंड 4, यो असुर ग्रहा सा भी सद्या परमस्यार्य रूप धृक मुक्तो देवले सापेन भूहुर गंधर्व सात्मः प्रणमस्य श्रद्धाशम उत्तम श्लोके आव्यहम अज्ञायता यशोधामा कीर्तयन गुना सत्कथम। अर्थात गंधर्व में श्रेष्ठ राजा हुहु देवल मुनि द्वारा श्रापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पे उसने एक गंधर्व का रूप सुंदर धारण कर लिया। ये समझकर कि यह सब किसी कृपा से संभव हो सका है, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ लोकों में पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए वह उपयुक्त स्तुतियां करने लगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। ये गंधर्व किसी तरह घड़ियाल बनना, उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस श्राप से गंधर्व को ये पद मिला था वह वास्तव में श्राप नहीं था अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष श्राप दे तो उसे अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका ये श्राप वरदान होता है। इस गंधर्व में स्वर्ग लोक के निवासी की मानसिकता थी, इसे श्री भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के श्राप से वे घड़ियाल बन गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने तथा वैकुंठ जाकर श्री भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किया जब वह अगस्त्य मुनि से के श्राप से मुक्त हो गया। श्लोक नंबर 5, सो अनुकंपित ईशेना परिक्रमाय प्रणामयितम् लोकस्य पश्यतो लोकम् स्वम् अगन्मुक्त क्लिबिशः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहित की कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की, मतलब जो क्या कहते हैं सरकम एम्बुलेशन किया, मतलब परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वे गंधर्व लोक लौट गए, वे सारे पाप फलों से मुक्त हो चुके थे। श्लोक नंबर 6, गजेंद्रो भगवत स्पाशादा विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भागवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजा।
अर्थात क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हाथियों के राजा गजेंद्र को अपने कर कमलों से सीधा स्पर्श किया था, अतः वे समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गए। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे श्री भगवान जैसे ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ, वह पवित्र वस्त्र धारण किए चार भुजाओं वाले बन गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यदि किसी पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होती है तो वे उसका स्पर्श अपने हाथों से कर देते हैं तो उनका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जब श्री भगवान ने गजेंद्र को का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिल गया। अर्चना पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। ना केवल श्री भगवान के शरीर का स्पर्श करके अपितु केवल उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमाओं का ज्ञान करके, उनके चरणों का स्पर्श करके तथा उनकी पूजा करके, दूसरे शब्दों में श्री भगवान किसी न किसी प्रकार से सेवा करके मनुष्य भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान का स्पर्श पाने का ये परिणाम होता है। जो शुद्ध भक्त है अन्य अभिलाषा शून्यम, जो शास्त्र एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वह भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवत धाम लौटता है। कमिंग टू श्लोक नंबर 8, हम 8 ही कर रहे हैं, नो वी आर डूइंग 7। कमिंग टू श्लोक नंबर 7। सवे पूर्वम अबुद्राजा पांडयो द्रवेत सात्मा इंद्रदुम्यम इति ख्यातो विष्णुव्रता परायणः। ये गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांड्यक नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रदुम्यन महाराज कहलाता था। 8 श्लोक। स एकदाराधना काल आत्मना गृता मौन वृति ईश्वरम हरिम जगत दराशा तपस्या अपिलतो अच्युतम समरच्यम असा कुल चलस महा। इंद्रदुम्यन महाराज ने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया और मले पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए श्री भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। श्लोक नंबर 9। यदा चत्र तथा महायस्य मुनि समागमच चिस्य गनी परिष्कृता तम विक्षये शुनिम अकृतहादिकम रहस्य उपृशम ऋषि चुकुपोहः। जब इंद्रदुम्न महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे तो अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में मौन साधे बैठे हैं और उनके स्वागत में शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। श्लोक नंबर 10। तस्मान इमं स्पम अधा असुधुर अयम दुरात्मक बुद्धि अधाय विप्रवामान्तः विषात्मं तमिश्रम यथा गजा स्तब्ध मति स एव। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को ये श्राप दे डाला, ये राजा इंद्रदुम्यन तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतएव ये अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। अगस्त्य मुनि ने यह ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का श्राप दिया जाए, क्योंकि यह शक्तिशाली राजा
ने उनका स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसे कि एक ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त्य मुनि ने महाराज इंद्रदुम्न को हाथी बनने का श्राप दे डाला, किंतु ये श्राप अप्रत्यक्ष रूप से एक वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से महाराज इंद्रदुम्न के पूर्व जन्म के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे शरीर पाकर उनके पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिए गए। यह स्वरूप मुक्ति कहलाती है। कमिंग टू श्लोक नंबर 11 एंड 12। श्री शुका उवाचाः एवं सत्वा कतो गस्त्यो भगवान निरपह सगुना इंद्रदुम्न अपि राजऋषि दिष्टं तप उपधार्यान् आपन कुंजराजिं योनिम् आत्मस्मृति विनीशनिम् रिया अचारण भूवेना यद्गत्वे अपि अनुस्मृते। अर्थ, शिला शिखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अगस्त्य मुनि राजा इंद्रदुम्न को इस तरह श्राप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए। क्योंकि राजा भक्त था अतएव उसने अगस्त मुनि के श्राप का स्वागत किया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अतएव अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे ये स्मरण रहा कि श्री भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। तात्पर्य, शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त की ये अद्वितीय स्थिति है। यद्यपि राजा को श्राप दिया गया, किंतु उसने इसका स्वागत किया, क्योंकि भक्त सदैव जानता रहता है कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यद्यपि राजा का कोई दोष ना था, फिर भी अगस्त्य मुनि ने उसे श्राप दिया, और जब ऐसा हो गया तो राजा ने उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण हुआ समझा। तते अनुकंपा सुमिक्ष मानो, ये भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण है। वे जीवन की किसी भी असफलता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद मानता है, अतः इन सफलताओं से शुभ्ध होने के बजाय वह अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है और श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवत धाम वापस जाने में उसे सक्षम बनाते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने ही पड़े तो श्री भगवान उसे इनका नाम मात्र फल चक्कर तुरंत ही उसे मुक्त कर देते हैं। अतः मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। श्री भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी वैकुंठ लोक भेजने की व्यवस्था करेंगे। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में विशुद्ध नहीं होना चाहिए, अपितु श्री भगवान पर ही पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस श्लोक में उपधारण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है विचार करते हुए, जो ये सूचित करता है कि भक्त जानता है कि कौन क्या है, वे समझता है कि इस भौतिक बद जीवन में क्या हो रहा है। श्लोक नंबर 13। एवं विमोक्ष है गजयुथा पाम अभज नाभस्थ तेनपि पार्षद गतिम गमितेन युक्त गंधर्व सिद्धि विबुद्धे उपगयामान कर्म बुद्धे तु स्वाभवनम गुरुदाशनो अगत। गजेंद्र को घड़ियाल के चुंगल से अर्थात घड़ियाल की तरह इस भौतिक अस्तित्व से छुड़ाकर श्री भगवान ने उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान करी। श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्य कल्पों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में श्री भगवान अपने वाहन गुरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और गजेंद्र को भी अपने साथ ले गए। तात्पर्य, शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में विमोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। भक्त के लिए मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है श्री भगवान के पार्षद का पद प्राप्त करना। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में तलीन होने को मुक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु भक्त के लिए मुक्ति का अर्थ है श्री भगवान के तेज में तलीन होना नहीं, अपितु वैकुंठ लोक जाकर श्री भगवान का पार्षद बनना। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है। तत्ते अनुकंपा सुमीक्षमानो भुजन्ते एवात्मता कृतं विपक्षं हृद्वाग वपुभिर्विधं नमस्ते जीवत्यो मुक्ति पदासेथया भृत्।
जो आपकी अनुकंपा के इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो मन वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सह लेता है और धैर्य पूर्वक भक्ति करता है, वह मुक्ति पद से दया भक्त अर्थात मुक्ति का प्रमाणिक पात्र बनता है। दया भक्त शब्द श्री भगवान की कृपा के उत्तराधिकारी को बताया है। भक्त को भौतिक परिस्थितियों की परवाह ना करते हुए एकमात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब वह वैकुंठ लोक जाने का स्वतः अधिकारी बन जाता है। जो भक्त श्री भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसे वैकुंठ लोक जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी प्राप्त होता है उत्तराधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भक्त मुक्ति पाता है तो वह भौतिक कलमश से छूट जाता है और श्री भगवान का दास नियुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में कही हुई है। स्वरूप शब्द सारूप्य मुक्ति का सूचक है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के धाम को वापस जाना और श्री भगवान के ही समान चतुर्भुज आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, जो शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए रहते हैं, श्री भगवान का नित्य पार्षद बना रहता है। निर्विशेषवादी की मुक्ति तथा भक्त की मुक्ति में यही अंतर है कि भक्त तुरंत ही श्री भगवान का नित्य दास नियुक्त हो जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में वलीन होकर भी असुरक्षित रहता है और सामान्यतः इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। अरुर कृचेन परम पदम तत् पत्यंतो धोनहर युष्मन युष्मन ग्रया। यद्यपि निर्वेशवादी ब्रह्म ज्योति तक उठकर उसी में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु श्री भगवान की सेवा में ना लगे होने के कारण पुनः भौतिकवादी परोपकारी कार्यों की प्राप्ति अकृष्ट होते हैं। इस तरह वे अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थान खोलने, गरीबों को भोजन कराने तथा उसी प्रकार की भौतिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए नीचे आते हैं, जिन्हें वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझते हैं। निर्विशेषवादी ये नहीं सोचते कि श्री भगवान की सेवा करना, गरीब की सेवा करना या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। यद्यपि वे ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अर्थात ब्रह्म सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है, तो भी वे इसे मिथ्या जगत की सेवा करने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा की अपेक्षा करते हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 14। एतेन महाराजो तेवृतो महाया कृष्ण अनुभाव गज राजा मोक्षनम स्वर्गयम यश्यामा कले कलशाह दुश्वासम नासम कुरुवर्या संवितम। अर्थात हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे श्री भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं, वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुःस्वप्न नहीं देखते। श्लोक नंबर 15। यथा अनुकृत्यन्ते इता श्रेया कामा द्विजतया सुचया प्राह उत्थया दुस्वपन्तये उपासन्ते। अर्थात अतः जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य और उनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुख स्वप्नों में बुरे सपनों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य का और विशेषता श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रयुक्त यथानुकृतियंती शब्दों से इस संस्तुति की गई है कि इस साहित्य को यथा रूप में प्रस्तुत किया जाए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्यविकारण वाक्य जाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं। इस तरह के हेर फेर से बचना चाहिए, ये वैदिक आदेश है जिसका समर्थन शिल शुकदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है।
वे कहते हैं यथा अनुकीर्तियंति, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथा रूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। शिला सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष सद्स्तुति की है कि ब्राह्मण लोग प्रातः काल शया से उठते ही इन सभी मंत्रों का पाठ करें। पाप पूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुःस्वप्न आते हैं जो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति से थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था, अतएव दुःस्वप्न पाप पूर्ण कार्यों के फल स्वरूप आते हैं। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरु इतना दयालु होता है कि अपने पापी शिष्य के कारण दुःस्वप्न देखने पर भी वह इस कष्टदायक कार्य को कलयुग के शिकार बने हुए लोगों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतएव दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वह फिर से कोई पापपूर्ण कार्य ना करे जिससे स्वयं उसे तथा उसके गुरु को कठिनाई उठानी पड़े। अतएव सच्चा शिष्य अर्च विग्रह अग्नि गुरु तथा वैष्णवों के समक्ष वचन देता है कि वह सभी पापपूर्ण कार्यों से दूर रहेगा, इसलिए उसे पुनः पापपूर्ण कृत्य करके कष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 16। इदम अहम हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरु सात्मना श्रृण्वतम सर्वभूतानां सर्वभूतामयो विभु। हे कुरुक्षेत्र, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबके समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। श्री भगवान उवाचः, ये मम त्वं च सहस्चेदं गिरिकांदारा काननम वेत्रा किचका वेणूनां गुल्मानि सुरपादापन श्रृंगानि मणि दृश्यानि ब्रह्मानो मे शिवस्य च शिरोदं मे प्रियं धामा श्वेतदीपं च भास्वरं श्रित्वात्सं कुस्तुभं मालं गादं कुंभ कुमोदाकं मम सुदर्शनं पञ्जन्यं सुप्रणं पतगेश्वरं शेषं च मत्कालं सूक्ष्मा श्रियं दिवं मदश्रियं ब्रह्मानं नारदं रीशं भावं प्रदाशं एव च मातस्य कुर्मा वरहादेर अवतरे कृतनीमेः कर्मण्या अनंत पुण्या सूर्यं सोमं भूतासनं प्रणावं सत्यं आव्यक्तं गोविप्रं धर्मं अव्यं दक्ष्यानेर धर्म पात्ने सोम्यश्यापयोर अपि गंगां सर्वतिं नन्दं कालिंदीं सीता व्रणं ध्रुवानां ब्रह्मऋषि सप्तं पुण्यश्लोक्यक्षं च मनस्वहम् उत्यापार रात्रे ने प्रायता सूक्ष्म हीतः स्मरन्ति मम रूपाणि ही मुच्यते ते अमोस्फुलितः। श्लोक्स फ्रॉम 17-24, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं, इसका अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, समस्त पाप पूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल में जग जाते हैं, अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मन को इन सब पर एकाग्र करते हैं, अर्थात मेरे रूप तुम्हारे रूप इस सरोवर इस पर्वत कंदारों उपवनों बेतों के वृक्षों पासों के वृक्षों कल्पतरु मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों सोने चांदी तथा लोह से बने त्रिकुट पर्वत की तीन चोटियां मेरे सुहावने धाम शीर सागर आध्यात्मिक किरणों में नित्य चमचमाते श्वेत द्वीप मेरे चिन्ह श्रीवास कौस्तुभ मणि मेरी वैजयंती माला कौमद की नामक मेरी गदा मेरे सुदर्शन चक्र तथा पंचजन्य शंख मेरे वाहन पक्षीराज गरुड़ मेरी शैया शेषनाग मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी श्री नारद मुनि शिव जी प्रहलाद मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य पुरम तथा वरा मेरे अनंत शुभ कार्यकल्पों में जो सुनने वाले को पवित्र प्रदान करते हैं सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार मंत्र
परम सत्य समग्र भौतिक शक्तियां गायों तथा ब्राह्मणों में, भक्ति सोम तथा कश्यप की पत्नियों में, जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं गंगा सरस्वती नंदा तथा यमुना नदियां एरावत हाथी ध्रुव महाराज सप्तऋषि तथा पवित्र मुनियों में एकाग्र करते हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 25, ये मम स्तुवनय अनेनांगा प्रतिबुद्ध्या निसात्यनि तेषं प्रणाथेन चाहं तेदामि विपुलं गतिम्। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने गजेंद्र को ये ब्लेसिंग दी कि जो जल्दी उठेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी से मेरी ये और तुम्हारा जो मैंने तुम्हारे सेव किया तुमने जो मेरे प्रति प्रार्थना गाई उसको याद करेगा तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ डेथ मैं उसको वैकुंठ लोक लेके जाऊंगा। कमिंग टू श्लोक नंबर 26 एंड द लास्ट श्लोक ऑफ दिस गजेंद्र मोक्षकम, श्री शुक उवाच इति अधिस्या ऋषिकेशा प्रदमायो जलजोत्मम हर्षण्य विबोधात्मिकम आरूरा का गदिति। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देकर ऋषिकेश कहलाने वाले श्री भगवान ने अपना पंचजंग्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया, तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। तो वाओ, कितना अच्छा है ये गजेंद्र मोक्षकम कि जितनी बार हम पढ़े उतना ही हमें इसमें जो है रस आता है, हमें अच्छा लगता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है कि कैसे भगवान हमारे विटनेस हैं। और जैसे ही हम भगवान के प्रति, हम चाहे कितना भी पाप कर्म क्यों ना कर लें, कितना भी कुछ ना कर लें, लेकिन फिर भी यदि हम सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान डेफिनेटली आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो ये गजेंद्र मोक्ष हमें बताता है कि एट द एंड ऑफ अ डे कोई भी हमारा सगा नहीं है, कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता, ना हमारे परिजन, ना हमारी पत्नी, ना पति, ना हमारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ भगवान ही केवल है जो हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और डेफिनेटली डेथ जो बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ है उससे भी, क्योंकि हमें सबसे बड़ा फियर होता है डेथ का, क्योंकि हमें पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इसलिए वी आर वेरी फियरफुल ऑफ डेथ। लेकिन भगवान उस डर से भी बचा सकते हैं और ऐसे डेथ के जो बुरे सपने भी आते हैं उससे भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो होपफुली आपने भी ये गजेंद्र मोक्षकम एंजॉय किया होगा एंड होपफुली आई प्रे कि ऐसा हमारे अंदर भी गजेंद्र जैसा विश्वास आए और हम चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अगर शरण लेनी है तो हम श्री भगवान की लें, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लें। With this, happy Kartik to all of you, and hopefully this Gajendra Mokshan bring all auspiciousness in your life. Hare Krishna, Hare Bol.